मॉर्निंग, कैसे हम सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन है। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड, अच्छे से बोलो, टाइट होके मूव, गुड मॉर्निंग बोलो। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह, कल मम्मी एक्सीलेटर में गिर गई थी, तो हमारा कल सुबह, कल अमला अभी सुबह सुबह हम यही डिस्कस कर रहे थे कि गिरी कैसे है। तो अभी हमने वीडियो वगैरह चेक किया और स्लो मोशन में चलाया, तो हमें पता चला कि वो ये वजह से गिरे हैं, इसी ने गिराया है अपनी ताई। कौन है ये तन्नू? टिकटॉक, टिकटॉकर नेहा की वजह से गिरे हैं। नेहा, तू अपने आप को मानती है जिम्मेदार? अब वीडियो में साफ दिख रहा है तू गिरा रही है अपनी ताई को। ताई ने मेरे को पकड़ा था इसलिए मेरे को। और तूने छोड़ क्यों दिया फिर ताई को ऐसे करके गिराने के लिए? देख उसमें वीडियो में जरा ऐसे छोड़ा है तो हाथ करके। अरे यार मैं सो फ्रेंड्स, अभी खाना वगैरह खा लिया है, बट मैंने नहाया नहीं है और मैं नहा भी नहीं रही हूँ, घर जाके नहाऊंगी, मेरा मन ही नहीं हो रहा नहाने का। सो अभी दिन के बच्चों, सुबह के बच्चों में 11:30 हो रहे हैं, 10:45 हो गए, तो खाना वगैरह सब कंप्लीट है, अब हम बस जाने के तैयार हैं। तो मैं सोच रही थी इससे पहले मैं आपको एक बार अपना घर का ऐसे ही बाहर से मतलब व्यू दिखा देती हूँ कैसा है, और अपने छोटा मतलब मम्मी लोग मतलब मेरे मायके का होम टूर करा देती हूँ आप लोगों को। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम बहुत सारा बाकी रह चुका है, रेलिंग वगैरह नहीं बनी हुई है और काफ़ी चीज़ें रह गई है, ड्रिल वगैरह है, चिमनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रह चुकी है। तो अभी देखिए आप, आपको फ्रंट से दिखाती हूँ मैं कैसे। तो ये रहा घर का मेन गेट और ये रहा घर का फ्रंट व्यू। तो देखिए, तो अभी यहाँ पे धूप है ना, तो थोड़ा सा वगैरह शेडो वगैरह आ रही है। तो ये रहा घर का फ्रंट व्यू। तो चलिए आपको ले चलते हैं घर के अंदर, जहाँ पे अभी धुआंधार सफाई हो रही है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कीचड़ हीचड़ हो गया था, मक्खियाँ घर में कितनी सारी थी। और ये देखिए हमारे बच्चे सारे सफाई में लगे हुए हैं। सो ये है यहाँ पे बीच में लॉबी सा दे रखा है, यहाँ पे पार्किंग का एरिया है जहाँ पे गाड़ी वगैरह रखेंगे, बाइक हो गई, गाड़ी वगैरह हो गई। तो ये है हॉल, तो यहाँ से भी है इसकी एंट्री और यहाँ से भी है एंट्री। तो मैं आपको इधर से ले जाती हूँ पहले हॉल पे। तो बच्चों मुझे जाने दो। तो मक्खियाँ देख सकते हैं आप, मक्खियाँ बहुत सारी हो रही हैं। ये दरवाजा खोलना। सो ये रहा मेन हॉल जो कि इस टाइप का है। ये ससुर जी अपने जमाई की खातिरदारी करते हुए। तो ये तुम आप जानते ही है, मम्मी को तो पहले आप मेरे मिल चुके हैं पहले ब्लॉग में। और ये रही मेरी दादी। दादी हेलो बोलो। हेलो। हाँ। वो है अधिकारी जी लेटे हुए हैं। और ये मेरी मौसी की लड़की है, ये हमारी तन्वी हुई, पापा उधर जा रहे हैं। तो ये है मेन हॉल और इसका फोर सीलिंग, यहाँ पे फैन, इसी कमरे में फैन लगा रखा है, अभी फैन भी नहीं लगे और सारे कर्टन वगैरह भी कुछ नहीं लगा है और काफ़ी काम अभी रह चुका है। सो ये रहा हमारा मेन हॉल। एंड पापा हेलो बोलो। हेलो। आपको बधाई दे रहे बहुत सारे लोग। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कल के ब्लॉग में आपको बधाई दे रखी है बहुत लोगों ने। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये रहा मंदिर। तो मंदिर हमारा हॉल से जस्ट यहाँ पे है और अभी मंदिर में सेटअप नहीं कर रखा है क्योंकि अभी मम्मी लोग आए नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए सिर्फ, तो अभी यहाँ पे सिर्फ कान्हा जी रखे हुए हैं और ये कलश है, ये गणेश जी है हमारे। तो ये रहा मंदिर का पोर्शन। फिर मंदिर से ही लग के है एक दूसरा बेडरूम। तो ये रहा बेडरूम। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कबर्ड वगैरह बननी है, स्टोरेज है वो, और कबर्ड पे बनेगी, अभी कबर्ड भी नहीं बनी हुई है। सो ये रहा एक बेडरूम। और यहाँ पे है बाथरूम जहाँ पे मम्मी सबकी चप्पलें धो रही है क्योंकि उस पर लगा है रेता। तो अभी सफाई चल रही है और यहाँ देखिए सीमेंट के सारे वो लगे हुए हैं, बाथरूम में भी दाग हो रखे हैं। तो ये है हमारा मेन बाथरूम। और फिर यहाँ पे एक और सेकंड रूम है, सेकंड बेडरूम है जो कि कुछ इस तरीके से है। इस वाले रूम में विंडो है, उस वाले रूम में विंडो नहीं है, तो इसमें वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। और इसका फ्रंट मतलब इस सारा फ्रंट से दिखेगा ना मेन गेट से, तो इस टाइप से भी है। हाँ, ये है मेरे मामा की लड़की, हेलो बोलो। तो ये रहा किचन। तो किचन में भी अभी चिमनी लगनी रह गई है
आरओ वगैरह नहीं लगा है और बहुत सारा अभी चीज़ें रह चुकी है। तो अभी हम लोगों ने लंच किया है तो इसका सारा सामान भी फैला हुआ है। ओहो मेरी दादी जी ने पानी ऊपर से निकाल दिया है। दादी इसको ऐसे करो यार। तो मेरी दादी ने यहाँ से झंडा निकाल दिया था। तो यह है किचन और अभी गैस वगैरह भी ऐसी लगी हुई है और सिलेंडर का पाइप भी नीचे से जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी ड्रिल नहीं कर रखा है ना उन्होंने तब। तो अभी हमारे यहाँ पे लंच हो चुका है तो इसलिए सामान फैला हुआ सा दिख रहा है आप लोगों को। दर्शकगण हटिए जरा रास्ते से, आइए सेकंड फ्लोर में चलते हैं। वो बच्ची को देखिए वाइपर लगाने में ही है, लगाने में ही है। तो ये है मेरी ताई जी की लड़की, हेलो बोल किरण। तो अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर देखिए, यहाँ पे भी अभी ग्रिल वगैरह नहीं लगी हुई है सारी रेलिंग वगैरह। तो ये है ग्लास डोर जो कि यहाँ पे बालकनी आ गई मतलब फ्रंट पे खुलता है। तो अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जा रही हैं। और ये रहा हमारा सेकंड फ्लोर जो कि अभी तो किराए के पर्पज़ से बनाया गया है क्योंकि नीचे ही रहेंगे मम्मी लोग और वो भी कभी कभी। तो ये मेन गेट से एंट्री करते ही यहाँ पे भी बीच में लॉबी का एक्शन, पूरा लॉबी का जो है पार्ट ये है। और ये है मेरे चाचा की लड़की जिससे आप मिल चुके हैं। तो यहाँ पे है एक रूम, तो इस वाले पोर्शन में भी दो रूम है। तो एक रूम यहाँ पे है, यहाँ पे अभी ग्लास रैक लगेगी। तो यहाँ पे हम लोगों का सामान वगैरह फैला हुआ है ऐसे। और जस्ट इससे ही लग के है टॉयलेट यहाँ पे एंड बाथरूम जो कि ये है। और ये भी अभी पूरा खंदा सा हो रखा है क्योंकि सफाई नहीं हुई थी, दिन के हिसाब से ग्रप्टिवेज कर दिया गया है। तो और एक रूम इसी कमरे से लगते, मतलब ये रूम है फिर बाथरूम है और फिर एक और रूम है। तो वो इस तरीके से है। अभी जब मम्मी लोग नीचे आ जाएंगे इंटीरियर वगैरह सारा डेकोरेशन वगैरह कर देंगे तो एक बार फिर से होम टूर बनाऊंगी मैं, फुल होम टूर हो जाएगा। अभी तो खाली कैसा बना है वो दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। तो और फिर है यहाँ पे किचन। तो ये अभी किराए वाला किचन बनाए हैं, यहाँ पे रैक वगैरह नहीं लगा रखे, वो बाद में लगाएंगे कभी जब इन फ्यूचर अपने लिए रखेंगे तब। तो ये रहा ऐसा किचन है यहाँ पे। तो मम्मी को ये वाला किचन का जो टाइल्स हैं वो बहुत पसंद आया, जो नीचे लगे वो नहीं पसंद आया क्योंकि वो मेरी पसंद की है और वो मुझे बहुत पसंद आई थी टाइल्स। तो ये वाली टाइल्स मेरी मम्मी को पसंद आई है। तो अब इस किचन से और इस कमरे से बाहर को यहाँ पे है बैठने के लिए पूरा, बाहर देखिए मतलब एक हॉल बराबर पूरा एरिया छोड़ा गया है बैठने के लिए। तो मेरा भाई बोलता है यहाँ पे झूला वगैरह लगाएंगे, वो जो चेयर वाला होता है ना उस टाइप का। और अभी यहाँ पे रेलिंग वगैरह कुछ नहीं लगी है, अभी यहाँ पे ग्लास लगेंगे रेलिंग लगेगी। तो ये पूरा पोर्शन ओपन छोड़ रखा है बैठने के लिए, बाहर कुर्सियाँ वगैरह डाल लो या सोफे डाल लो नॉर्मल वाले वैसे वाले सोफे। तो यहाँ पे पापा बोल रहे कि ग्लास लगा देंगे और फिर आगे से पूरा सेट सा जैसे ग्रीन सेट सा लगा देंगे। तो यहाँ पे पूरा बंद सा हो जाएगा और वहाँ पे रेलिंग लग जाएगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा बैठने के लिए। तो ऊपर है छत, तो छत तो नॉर्मली है, अभी रेलिंग वगैरह लगेगी नहीं है तो नॉर्मली छत सी है। तो वहाँ क्या दिखाऊँ मैं, वहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। और ऊपर से वेंटिलेशन के लिए इस टाइप का ये छोड़ा गया है ताकि, क्योंकि लंबे घर हैं हवा मतलब और जगह आगे फ्रंट से तो सारी तरफ विंडो है पर यह है कि बैक साइड से और साइड साइड से कोई विंडो वगैरह नहीं है तो वेंटिलेशन कैसा हो, तो इस वजह से यहाँ पे पूरा ये छोड़ा गया है जो कि यहाँ से हवा वगैरह पास होती रहे। ऊपर तो शेड डाला जाएगा कुछ उसमें शेड वगैरह, तो अभी फ़िलहाल उसमें कुछ नहीं लगा रखा है तो लाइट ऑफ कर दिए। तो ये रहा सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर नहीं फर्स्ट फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर है ना, सेकेंड फ्लोर नहीं कह सकते इस पर। तो ये हमें बंद कर दिया है, अभी देख सकते हैं रेलिंग वगैरह कुछ नहीं लगा है। डेट के हिसाब से अगर उन्होंने बताया था कि डेट अच्छी है अभी आप कर लीजिए फिर काम तो चलता ही रहेगा और नॉर्मल काम तो रहने लायक काम तो हो ही चुका है। मतलब रहने के लिए क्या होता है कि लिंटर वगैरह हो, पेंट वगैरह हो, टाइल्स वगैरह लग चुकी हो और अपना डोर वगैरह विंडो वगैरह लगी हो, तो ये तो ऑलमोस्ट सभी जगह लग चुका है। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं पर हाँ ये है कि अभी किराए पर रखने से पहले बच्चों को गिरने का डर है तो इसलिए वो लगाना पड़ेगा। तो मम्मी अभी जब तक नहीं लगेगा तब तक यहीं रहेंगी और लगा के ही जाएंगी। सो ये रहा मेरा मायका, मतलब मेरा न्यू मायका। वैसे तो मुझे पाजपुरी अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जन्म वहीं हुआ है और हम लोग पढ़े भी वहीं हैं, बहुत मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव है हमें, पाजपुर छोड़ने जैसा नहीं लगता है। बट यह कि मम्मी लोग जब यहाँ रहने लग जाएंगे तो यहाँ भी अच्छा ही लगेगा। तो फिलहाल अभी तो
ये रहा मेरा मायके का होम टूर। अभी तो बस खाली बाहर से ऐसे ही है, और जब इंटीरियर जब मम्मी लोग प्रॉपर तरीके से रहने लग जाएंगे तो अंदर सब सेट कर लेंगे सामान, तो तब मैं एक बार और कराऊंगी आपको अपने घर का मायके का होम टूर। तो कैसा लगा आपको मेरे मायके का घर, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अभी चलते हैं अंदर घर में, अंदर क्या चल रहा है देखते हैं। जबकि हम जा रहे हैं तो टीका लगा रही है लोगों को, पर ये लोग नहीं जा रहे हैं पर इनको भी लगा रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि सबको लगाते हैं जैसे जब जाते हैं तो की भी ठीक है। मुंह देखो इन लोगों ने ऐसा लगा चार दिन पांच दिन से नहाया नहीं है। नीना है इधर? नीना है? नहीं तू ही ना, एक महीने से नहीं नहाया है। खूब बदल गया, देखो इसे, अपना तो इतना मेकअप पोत लिया है और हमसे कह रही कि मुंह ना धोया। इधर देख तो, ये देखो इसका मेकअप, इतना बड़ा फाउंडेशन, इतना ज्यादा। तन्नु की आप पापा के साथ चल रही है फोटो शूट है, इनके घर ही रह रहे हो? हाँ फिर इन्हीं के घर तो रह रहे हैं। गाइस माया दी अब घर जा रही है, इसीलिए ससुराल का रिवाज कर रही है। वैसे चावल डाल दिए ऊपर जा रहे हैं। बाय। चलो बच्चों, चलो ये मैडम भी हमारे साथ आने वाली है। आ जाऊंगी 20 तारीख के दिन, कितने दिन आना मेरे लिए? ठीक है, शादी में आना। हाँ हाँ, हमारे घर आना। तो मैं नहीं इसको कह रही हूँ, तुम तो बिना बुलाए आ जाओगे, पता है मुझे। ठीक है, बाय बाय। तो अभी फ्रेंड्स सब निकल चुके हैं, एंड इन अपनी मैंने अपनी बहनों को छोड़ना है इनके घर। घर तो नहीं छोड़ेंगे, बीच हाथ से मैं छोड़ जाएंगे, अपने आप जाती हैं ये। कौन छोड़ता है इनको? अभी हम बहुत देर से जाम में फंसे हुए हैं, तो जाम का है नतीजा ये। तो अभी यहाँ पे कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? ये कुछ रैली वगैरह चल रही है, शोभा यात्रा, रामोत्सव शोभा यात्रा है।
किसी को बाय कर दिया। सो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 3 बजने वाले, 2:30 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच गए हैं धामपुर पहुंच चुके हैं। तनवी सो रही है पीछे, उसको नींद आ रही है फर्स्ट क्लास, और नींद तो अमित सिंह अधिकारी को भी आ रही है पर वो बार बार मुंह धो ले रहे पानी से, और नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है पर ये मुझे सोने नहीं दे रहे। कह रहे मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ क्या, जब तुम पीछे सोओगे और मैं तुम्हारे लिए गाड़ी चलाऊंगा, है यही कहना चाह रहे हो? तो फिर मैं ज़बरदस्ती, अब मेरी आंखें बंद होगी तो मैं टेप से चिपका लूँगी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो मैंने इसलिए चश्मा पहन लिया है गाड़ी के अंदर ताकि मुझे नींद आए तो अमित को पता ना चले कि मैं सो गई हूँ, ठीक है। तो फिलहाल तो अरे एक तो रात को हम सोए नहीं, रात को हम लोग हमको सुर आवाज़ करने वाले मच्छरों ने इतना काटा है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हम लोग को रात भर, मैं तो 2 बजे से 5 बजे तक सोई नहीं, फिर 5 बजे मुझे नींद आई तो 6 बजे भी पापा मुझसे कह रहे उठो 6 बजे उठा रहे थे तो मैं उठी नहीं। सो अभी फ्रेंड्स बहुत नींद आ रही है, अब थोड़ा सा ही रह गया है तो मैं कंपनी दूंगी अमित सिंह अधिकारी को बैठ के आप बकवास करके बातें बना के। सो चलिए इंजॉय करते हैं हम अपने पहाड़ी गाना। गाना क्यों नहीं बज रहा है भाई, गाना बजाओ। पता नहीं क्या दबाया तूने, डिस्प्ले ऑफ कर दिया बकवास। अरे संगीता कर गई हूँ मैं बाज का पटेलों में। फ्रेंड्स 3:15 हो चुके हैं और लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं कोटद्वार, पर हमको इतनी नींद आ रही है ना, अब मुझे बार बार मार मार के उठा रहे हैं लोग, इतनी भयंकर नींद आ रही है। तो हमने सोचा पिया जाए गन्ने का जूस थोड़ा सा, आ जाओ तन्नू, अभी वहाँ पे पियेंगे गन्ने का जूस, थोड़ा सा मुँह धो लेते हैं, यहाँ पे हैंडपम्प है पानी से, यहाँ पे अपनी नींद गायब कर रहे हैं, मुँह धो लो, तन्नू को भी धो दो, पी लिया इसी पानी को, पीना नहीं, हाँ खारा होगा, दोनों हाथ से दबाओ तन्नू, उसको कैसे पता है, उसको नहीं आता चलाना हैंडपम्प, ऊपर करो उसे, आ गया पानी। तनु इसको बोलते हैं हैंड पंप, क्या बोलते हैं, हैंड नहीं हैंड पंप, हाँ उसके मुंह में लगा दो थोड़ा सा लाओ। तो यहाँ पे भैया जी ने हमारे लिए बना दिया है गन्ने का जूस, लो तनु पी पाएगी ऐसे, चलो लो अपना लो, दोनों हैंड से पकड़ो पियो, एक सिप लो, गुड पियो। पापा की बन गई सफेद मुच्छू, दिखाओ पापा, ये देखो दिखाओ तनु, ओहो सफेद मुच्छू बन गई आपकी तो। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार, बहुत गर्म हो गया है और 4:25 हो चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं क्योंकि धूप देखिए कितनी ज्यादा है और मुझे इतनी नींद आ रही है ना, गाड़ी में हम इतने धप धप करके उठाने में थे, तो तुम जाओ धूप में खेलना जाओ, हमें तो नींद आ रही है, हम सो रहे हैं। सो फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी सो जाते हैं। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10 बज गए हैं, करेक्ट 10:04 मतलब 10 बज ही चुके हैं लगभग। सो फ्रेंड्स अभी खाना वगैरह खा लिया और हम सो गए थे, बहुत लेट उठे, फिर उसके बाद जल्दी से मैंने खाना ही बनाया और खाना खा के तन तो सो गए, अमित भी मतलब फ़ोन में लगे सो ही जाएंगे और मेरे को भी बस नींद आ रही है तो मैं भी सोती हूँ। सो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।